तो सब साथ साथ मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगा जो हमने यूज करी है बिल्डिंग बनाने में। पेंट में आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी का यूज किया, मैं डिस्क्राइब या नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही पढ़ के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वुडवर्क जो कर रखा है उसके लिए जो एडहेसिव यूज किया है कौन सा यूज किया आप देख सकते हैं। आपको टाइल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था टाइल कौन सी यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं। जस्ट टाइल्स लगी हैं, सारी अनलोड करी गई हैं और लगाई गई हैं, देख सकते हैं कौन सी कंपनी की है। पीछे रखी हैं कुछ नई टाइल्स, आप देख सकते हैं सेम उसी कंपनी की है। इसके साथ आप देखेंगे टाइल तो ले ली, लेकिन उन्हें लगाया कैसे जाता है, केमिकल से लगाया जाता है। केमिकल भी देखेंगे MYK लेटिग्रेट का बेस्ट क्वालिटी केमिकल है जो यूज किया जाता है। सीमेंट में भी देख सकते हैं पूरा अल्ट्राटेक बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन करते हैं हम, वो चीज यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये यूज भी हो रहा है, ऐसा तो है नहीं हमने बोरा ले आए हैं और सिर्फ दिखाने के लिए, ये यूज होता है तभी हम डिस्प्ले कर रहे हैं इसे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वी बिल्डर पे, मैं जागृत आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं विकास विहार न्यू उत्तम नगर में, ऊपर आप लिंक पे देख पाएंगे ये वीडियो हमने बनाई थी जब प्रॉपर्टी बन रही थी। 70% काम हो चुका है, वुडवर्क टाइल्स लाइट सब लग चुकी हैं। पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा वीडियो कैसी थी ये फ्लैट, कैसा ये बिल्डिंग बन रही थी और अब ये कैसी बन चुकी है। पूरा प्रोग्रेस आपको 0 to 100 आपको यहीं पृथ्वी बिल्डर चैनल पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की कंस्ट्रक्शन है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप राइट फ्रॉम फाउंडेशन टू इट्स एंड प्रोडक्ट वो आपको सिर्फ पृथ्वी बिल्डर चैनल पे मिलेगी। विकास विहार 3 BHK प्रॉपर्टी, 30x60 का प्लॉट है, 200 गज की ये बिल्डिंग, आपको हर यूनिट पे हर फ्लोर पे 2 यूनिट मिलेंगे 100-100 गज के। ऑन पेपर 100 गज है, लेकिन कवरेज एरिया की बात करें तो लगभग 110-115 गज के स्पेस में बना है। दोस्तों कमेंट्स में मैं बहुत, जब ये वीडियो डाली थी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि फ्रंट और बैक की रोड्स छोटी बड़ी रहती है, ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो बिल्डिंग बन रही है, यहाँ की जितनी वाइड रोड आपको फ्रंट में मिलती है उतनी ही बैक में मिलती है। अब मैं आपको इसके बाद एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा जो बेसिकली फ्रंट रोड और फ्रंट एलिवेशन पूरा का पूरा आपको आगे छोटी क्लिप में मिलेगा, और साथ में प्रॉपर्टी की जितनी USPs हैं वो भी आपको वीडियो में दिखेंगे। देखते रहिए। दोस्तों फ्रंट एलिवेशन और फ्रंट की वाइड रोड तो आप देख चुके हैं, अब मैं आपको पूरा फ्लैट पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। लिविंग एरिया की बात करूं अब मैं तो 18.5x12 फुट के अप्रॉक्स एरिया में बना हुआ है। रूम की अगर मैं आपको स्पेशलिटी बता दूं तो यहाँ पर आपका पूरा टीवी यूनिट लगेगा, LCD यूनिट लगेगा, तो सारे पैनल्स वगैरह सब आपको यहाँ मिलेंगे। जितने भी आप स्विचिंग देखेंगे, जितने भी आपने स्विच लगा रखे हैं, सब के सब फिनोलेक्स के हैं। फिनोलेक्स आप सब जानते हैं दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे आपको आपकी मनपसंद का वॉलपेपर लगा हुआ मिलेगा। अगेन स्पेस की बात करूं तो 15 सीटर तक आप सोफा लगा सकते हैं L टाइप में, बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेशियस आपको लिविंग रूम मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया लगभग 110 फुट के कवरेज एरिया में बना हुआ है, तो काफी ज्यादा आपको स्पेस मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों बताऊं मैं आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5-4 केबलिंग कॉपर वायर, आपको यहाँ पर AC यूनिट भी मिलता है। इसके साथ दोस्तों आपको लिविंग एरिया में यहाँ पे ऑडियो विजुअल यूनिट लगा कर देंगे। ऑडियो विजुअल आपका सीधा मेन गेट से कनेक्टेड रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। साथ में जैसे मैंने बताया स्विच बोर्ड सारे और जितने भी स्विच पैनल्स हैं सब के सब फिनोलेक्स के लगे हैं, और आपको लिविंग एरिया में ही यही स्विच पैनल पे आपको AC की भी MCB मिलती है। दोस्तों लिविंग एरिया में मैं आपको सीलिंग भी दिखा देता हूँ। सीलिंग आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग आपको लगी मिली गई। साथ में इसके हम MDF लगा कर देंगे। MDF क्या होता है बेसिकली, वो जाली वाला जो टेक्सचर लोग मिलता है, वो जो एडिशनल स्पेसिंग भरने के लिए, उसे हम MDF कहते हैं। तो दैट विल गिव अनदर ब्यूटीफुल एस्थेटिकल अपील टू द ड्राइंग रूम। लिविंग एरिया में ही देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आपको एडिशनल स्पेसिंग मिल जाएगी, जहां पर आप अपना मंदिर बना सकते हैं या आप अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। और साथ में आपको बता दूं जो हमारा मेन सर्किट बोर्ड है घर का, वो पूरे का पूरा Havels की MCB लगेगी, आपको वहां पर मिलती है। दोस्तों लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया तो बता दिया, अब साथ में आपको मिलती है एक बहुत ज्यादा स्पेशियस लॉबी, लगभग 8x6 फुट के एरिया में बनी है ये, और साथ में आपको मिलती है किचन। किचन बहुत ही ज्यादा वेंटिलेटेड है, आपको चिमनी के साथ साथ आपको 2 वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिलती है, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटिंग, नेचुरल सनलाइट आती है, सुबह सुबह ताजी धूप आपको यहीं पर मिलेगी। साथ में आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको रैक्स मिलते हैं
ओवरहेड रैक्स मिलते हैं सामान रखने के लिए। नीचे कबर्ड्स की बात करूं दोस्तों तो इनोटेक लगा हुआ है सब में और सॉफ्ट क्लोज में है ये। दोस्तों आप जैसे देखेंगे यहाँ सॉफ्ट क्लोज में आपको सारे ड्रॉर्स मिलते हैं इनोटेक सॉफ्ट क्लोज के साथ, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के लिए है। आपको एक नहीं यहाँ पे दो हैंडमेड सिंक्स मिलते हैं, दोनों तरफ आपको पानी का कनेक्शन मिलेगा और साथ में आपको आरओ का बोथ बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन दोनों आपको यहीं पे मिलेगा। आरओ के लिए भी हमने प्रॉपर स्पेसिंग दे रखी है, आप अपना कबर्ड रैक खोलिए आपका आरओ यहीं पे है। बहुत हर चीज का बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स तक का सबका ध्यान रखता है कौन, पृथ्वी बिल्डर। खास बात बताऊं दोस्तों आप देख सकते हैं किचन में भी आपको काफी स्विच पैनल्स मिलते हैं, आपको अगर मोबाइल चार्ज करना है, अवन रखना है, माइक्रोवेव रखना है, सबके लिए पैनल्स बना रखे हैं। मोटर का स्विच तक भी आपको यहीं किचन में मिलता है, मोटर आपकी पार्किंग में जो एरिया है वहां पर मोटर लगेगी और सारा आपका डायरेक्ट पानी जो भी आएगा वो आपका सीधा यहीं मोटर से स्विच करके ऊपर चढ़ जाएगा। इसके साथ दोस्तों खास बात बता दूं आपको फ्रिज रखने के लिए भी पूरी स्पेस मिलती है यहाँ पे, आप अपना डबल डोर तक का फ्रिज लगा सकते हैं, पूरा 15 एम्पेयर का आपको पीछे प्लग पॉइंट भी मिलता है। तो अगेन हर चीज का पूरी ध्यान रखते हुए पृथ्वी बिल्डवेल ने ये डिजाइन किया। अब चलते हैं दोस्तों बेडरूम की तरफ। दोस्तों अगर आप डोर की ही बात करें बेडरूम में जाने से पहले, आप देख सकते हैं मैंने पहले भी बताया था क्रोम फिनिश में आपको यहाँ हैंडल मिलते हैं और बहुत ही बढ़िया प्लाईवुड में प्लाईवुड फिनिश में आपको यहाँ पर डोर की फिनिश मिलती है। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ बेडरूम भी बहुत ज्यादा स्पेशियस है, आपको फॉल सीलिंग मिलती है, आपकी पसंद का वॉलपेपर लगा हुआ मिलेगा। अगेन एसी के लिए यहाँ पे प्रॉपर आपको विंडो एसी के लिए जगह दे रखी है और साथ में वेंटिलेशन के लिए भी विंडो है, जो विंडो भी लगेगी ये भी थ्री स्टेज लगेगी जैसे मैंने वीडियोज में दिखाया है, आयरन मैश और ग्लास तीनों आपको यहाँ लगा हुआ मिलेगा। एसी की बात करें तो एसी के प्रोविजन के लिए हमने यहाँ पर एमसीबी भी दे रखा है, एमसीवी की भी बात करें फिनोलेक्स की है और 15 एम्पेयर का आपको स्विच बोर्ड मिलता है। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों टीवी के लिए भी हमने यहाँ एलसीडी पैनल के लिए स्पेस बना रखी है, अभी एलसीडी पैनल लगेगा, 15 से 20 दिन के अंदर सैंपल फ्लैट रेडी होगा, फिर आपको प्रॉपर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से ही स्टेप बाय स्टेप में आपको पूरी राइट फ्रॉम फाउंडेशन टू इट्स फाइनल स्टेज एग्जीक्यूशन तक जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व है आपको सब के सब यही पृथ्वी बिल्डवेल पे मिलेंगे। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पृथ्वी बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, वी आर नॉट डीलर्स और ब्रोकर्स, ये हमारी खुद की बनाई हुई बिल्डिंग है जो आपको इस चैनल पे मिलती है। इसके अलावा दोस्तों मास्टर बेडरूम में आपको मैं अटैच बाथरूम वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, काफी ज्यादा स्पेशियस है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ISI अप्रूव टाइल्स लगी हैं, एंटी स्केट हैं, वॉल टू वॉल टाइल्स हैं आपको देखेंगे जैसे आपको मिलेगा, हर चीज का ध्यान राइट फ्रॉम वाटर प्रूफिंग टू एग्जीक्यूशन टू बिल्कुल टाइल तक हर चीज का ध्यान रखते हुए बनाई गई है। दोस्तों ये तो हो गया मास्टर बेडरूम, अब मैं आपको लिविंग एरिया के भी वॉशरूम बता देता हूँ, यहाँ भी आप देखेंगे काफी ज्यादा स्पेशियस ये बना हुआ है, वॉल टू वॉल टाइल्स हैं। टाइल्स की बात करूं दोस्तों ISI अप्रूव्ड हैं और कौन सी ब्रांड की हैं, कजारिया की हैं। नहीं यकीन आता आप वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो टाइल यूज करी है कौन सी कंपनी की है, ठीक है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे वॉल टू वॉल आपको एक नहीं बल्कि डुअल टोन में मिलती है, एक तरफ आपको डार्क मिलती है स्लाइटली नेवी ब्लूइश कलर है, साथ में अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे ऑफ वाइट सेरेमिक आपको कलर मिलता है, बहुत प्यारा लुक है। 20 दिन के अंदर जब सैंपल फ्लैट रेडी हो जाएगा मैं दोबारा आऊंगा और दोबारा आपको पूरी वीडियो एक्सप्लेन करके पूरा डिजाइन दिखाऊंगा। अब दोस्तों चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों अब चलते हैं बेडरूम नंबर टू, यूजुअली ये गेस्ट रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्पेशियस है ये रूम भी। आप डोर की तरफ ही देखें आपको मैग्नेटिक डोर स्टॉपर मिलता है पीछे, वेंटिलेशन में आपको यहाँ शाफ्ट मिलती है जहां पे आप अपना एसी भी लगा सकते हैं और साथ में आपको एमसीबी भी आपको यहीं पे मिलती है बिल्कुल एसी के साथ। अब इस रूम की जो सबसे बड़ी यूएसपी है, सबसे बेस्ट सेलिंग पॉइंट जो है, आपको बिल्कुल एंड टू एंड वार्डरोब मिलता है, बहुत ज्यादा स्पेशियस है, आपका ड्रेसिंग टेबल से लेकर आपके आर्टिफैक्ट्स रखने की जगह तक आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी एलईडी लगेगी, काम चल रहा है दोस्तों बिल्कुल तेजी में काम चल रहा है, 15 से 20 दिन के अंदर सैंपल फ्लैट रेडी होगा, ये जो मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ ये ही बनेगा सैंपल फ्लैट। तो आप देख सकते हैं पहले की चीज और फाइनल प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करता है। वार्डरोब्स की बात करें दोस्तों तो सॉफ्ट क्लोज में आपको वार्डरोब मिलते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सामान रखने के है, सिर्फ वार्डरोब के नीचे नहीं बल्कि आप ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतनी ज्यादा स्पेस मिलती है आपको अपने सामान रखने की। वार्डरोब में देखेंगे दोस्तों काफी बड़ा बहुत ज्यादा स्पेशियस आपका यहाँ पर ड्रॉअर मिल जाता है, आप खुद ही देखिए यहाँ पे कितना सामान रखने की जगह है,
आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, कितना भी सामान रख सकते हैं, बट आपकी जगह खत्म नहीं होगी। अब जैसे मैंने ये बताया था सॉफ्ट क्लोज में आपको ये सब मिलेगा, तो जैसे देखेंगे कि मैं ये बंद कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट क्लोज के साथ बंद हो रहा है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है कौन, पृथ्वी बिल्ड। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों बेडरूम 3 की, जो गेस्ट रूम तो भी बन सकता है, साथ में बच्चों का रूम या इवन पेरेंट्स भी अपना रूम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आती है अटैच बालकनी। चलिए दोस्तों बेडरूम 3 की अब मैं यूएसपी बता देता हूँ, सबसे बेस्ट थिंग। लगभग 10:30 बज रहे हैं अभी और आप देख सकते हैं सर्दियों के टाइम पर कितनी ताजी और कितनी अच्छी धूप आ रही है। पूरी आपको अगर मैं जैसे अगर ये डोर भी खोलता हूँ बालकनी वाला, तो बहुत ही प्यारी धूप आती है। क्यों? आपका ओपन फ्रंट है, तो इसके साथ बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाते हैं। रूम की भी बात करूँ, बहुत ज्यादा स्पेशियस है। जब सैंपल फ्लैट रेडी होगा तो मैं आपको पूरी डायमेंशन के साथ रूम एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब फर्नीचर लग जाता है, सब कुछ सेट हो जाता है, तभी पता चलता है कि फ्लैट कितना अच्छा और कितना स्पेशियस है। यहाँ पे भी देखेंगे तो इस रूम में भी आपको फॉल सीलिंग मिलती है, एलईडी कंसील लाइट्स लग चुकी हैं, कॉब लाइट्स अभी लगनी बाकी हैं। यहाँ पर आपको अपनी पसंद का वॉलपेपर मिलेगा, देख सकते हैं ये भी एंड टू एंड वॉलपेपर, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इस रूम में भी आपको एलईडी पैनल मिलेगा, यहाँ पर आपका एलसीडी एलईडी पैनल जो होगा टीवी का, वो पूरा यहाँ सेट होगा। और यहाँ पे आप अपना 32 से 64 72 इंच जितना भी आता है वो आप लगा सकते हैं। स्विच बोर्ड जैसे मैंने पहले भी बताया था, सब फिनोलेक्स के लगे हुए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, गारंटी के साथ आते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मैं रूम की लाइट बंद करता हूँ तो भी काफी ज्यादा नेचुरल लाइट है। दोस्तों अब इस रूम की एक और एडिशनल चीज बता दूं, बालकनी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक एडिशनल वार्डरोब भी मिलता है आपके सामान रखने के लिए, ये भी काफी स्पेशियस है। आप देख सकते हैं नीचे शू रैक बना रखा है, ऊपर आपकी पूरी वार्डरोब आ जाती है और ऊपर ओवरहेड बिन आ जाता है जहां पर आप अपना सूटकेस वगैरह लगेज वगैरह रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं साथ में। अब मैं आपको इसकी जो बेस्ट बात है वो इसकी जो बालकनी है वो दिखा देता हूँ। SS304 की आपको ग्रिल मिलती है, लगभग 4.5-5 फुट की हाइट पे है, कपड़े सुखाने के लिए या बाहर झांकने के लिए बिल्कुल सेफ्टी पर्पस की तरह पूरा यूज होता है। लगभग 3.5 फुट वाइड आपको बालकनी मिलती है और लगभग लंबाई में 20 फुट के एरिया में है। आप देख सकते हैं दोस्तों हलचल मची हुई है। क्यों मची हुई है? क्योंकि आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मार्केट मिल जाती है। कौन सी? उत्तम नगर की सबसे बड़ी मार्केट, आर्य समाज की। लेकिन बिल्कुल 40 से 50 मीटर पर आपके रोजमर्रा के लिए जो आपके जनरल स्टोर होते हैं वो मिल जाते हैं। बालकनी की बात करूं तो यहाँ पर आपको आपके वॉशिंग मशीन के लिए भी पूरा पानी कनेक्शन से लेकर बिजली के कनेक्शन तक दोनों मिल जाता है, वो आपको दिखाएंगे पीछे। और जैसे आप फिनिश देख सकते हैं बालकनी में भी हमने डुअल टोन फिनिश दे रखी है टाइल की, नीचे वाइट है, वॉल पे यहाँ पर आपको हल्का मैरूनिश और थोड़ा ग्रेइश टेक्सचर मिलता है और पीछे आपको वुड फिनिश में टाइल्स मिलती हैं, तो हर चीज का ध्यान रखा है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था फ्रंट साइड की रोड और एलिवेशन के साथ, अब मैं आपको बैक साइड पर ले आया हूँ। बैक साइड पर भी देखेंगे आपको लगभग 15 से 20 फुट की वाइड रोड मिल जाती है। तो जैसे मैंने कहा आगे और पीछे की रोड बिल्कुल बराबर है ऑलमोस्ट। दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो उसका सिर्फ ये पर्पस था कि आपको सामान दिखा सके, मटेरियल दिखा सके, क्वालिटी दिखा सके। क्वालिटी करते तो हैं लेकिन अगर कोई दिखाएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, तो वो चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो इसके सैम्पल फ्लैट की बनेगी, जैसे मैंने कहा 15 से 20 दिन के अंदर वो भी रेडी हो जाएगा और उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे उसकी, तो उसमें आपको पता चलेगा एंड प्रोडक्ट कितना खूबसूरत बनता है। आपके पास स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, उस पर कॉल करिए, 11 से 7 तक हमारी लाइंस ओपन रहती है। अपना ड्रीम होम आप बुक कर सकते हैं, दिस कुड बी वन ऑफ योर ड्रीम होम्स, वेरी फ्यू यूनिट्स लेफ्ट। डिले मत करिए, मौका का फायदा उठाइए, नए साल में शुभ काम करिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और घर से बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। इसके साथ दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वो फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर क्वालिटी क्वांटिटी और पूरी फाउंडेशन से हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको फोटोज वहीं पे मिलती है। वहां पे आप देखेंगे तो काफी चीजें आपको सीखने को भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।